हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल बुक सॉल्यूशन। यदि चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब कर ले। और आज मैं CHSL पार्ट 3 का वीडियो डाल रहा हूँ, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डाल चुकी है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2021 में एग्जाम होने वाले हैं इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ग्रुप डी और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़पेपर एक टाइप का एनालिसिस है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि अवार्ड गिवेन आप देखिए स्क्रीन पे, अवार्ड गिवेन किस किस पर्सन को दिया जाता है, थोड़ा उसे जान डिटेल जान सकते हैं। अवार्ड गिवेन किस किस पर्सन, एक स्पोर्ट पर्सन को जो जीतता है उसको तो मिलता ही है, साथ साथ में उसका कोच को भी मिलता है। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट पर्सन को कैसे मिलता है, स्पोर्ट पर्सन को अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। जो कोच मतलब समझते हैं, जो उनको सिखाता है या उनके जो हेड होते हैं, या उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, सब कुछ अधिकतर इंसान पढ़ते हैं अवार्ड देते हैं किनको, अर्जुना अवार्ड मिलते हैं स्पोर्ट पर्सन को, लेकिन ये नहीं जानते कि कोच को कौन सा अवार्ड मिलता है। तो कोच को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड, इसको जरूर याद रखें। तो इसका सेकंड पॉइंट देखिए, झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन, इसका जो प्रेसिडेंट कौन है, झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो लिखते हैं भोलेनाथ सिंह, और जो इसका कोच है बबलू कुमार, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट देखिए, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर, झारखंड के जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के कौन है, तो इसका नाम है चंपाई सोरेन। ये हाल लेटेस्ट में बहुत इसका नाम आ चुका है, इसको जरूर याद कीजिएगा। ये MLA कहाँ के हैं, सरायकेला के, इन्हें जरूर याद कि MLA है कहाँ के हैं, चंपाई सोरेन सरायकेले के, इसको जरूर इनको हमें सोचिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है, ये फिक्स क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड में जो जो गया हम इसके लिए भी। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, TAC का फुल फॉर्म पहले जानते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल होता है। इनके जो चेयरमैन है वो हेमंत सोरेन है, CM है जो अभी भी बने हैं, और वाइस चेयरमैन है चंपाई सोरेन, इसको भी याद रखिए। चंपाई सोरेन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आइए, रूरल इकोनॉमी में देखिए क्या पार्ट्स होता है, एक एग्रीकल्चर होता है, एक एनिमल हस्बेंड्री या मनरेगा आता है। तो मनरेगा का पिछले वीडियो में तो मैंने शायद आपको फुल फॉर्म बताया कि ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब 2005। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, मोस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये आप डायरेक्ट दिमाग में आपका हिट करता होगा, या तो हिट जहाँ पर ज़्यादा बड़े एरिया है वहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आप सोच रहे होंगे, या तो दिल्ली सोचते होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इंडिया की बात किया जाए। और मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जब पूछे, थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, इसमें पॉपुलेशन पूछा है और इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा, पॉपुलेशन डेंसिटी जब पूछेगा तब इसमें बिहार दीजिएगा, जब पॉपुलेशन पूछेगा ज़्यादा तो UP होगा इसमें, याद रखिएगा। ये लेटेस्ट आपका रिसेंट का ये नोट्स है। और थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ है, बेसिक नॉलेज में है, याद रखिएगा नोट है कि रेनी सीजन में जो अभी जो आप देख रहे हैं कि वर्षा के समय रोड नहीं बन रहा या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, तो वो नियम है, ठीक है, गवर्नमेंट तरफ से एक रूल है कि रेनी सीजन में उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का फंड या नहीं आता है, जो गवर्नमेंट द्वारा काम किया जाता है उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का फंड नहीं आता। तो इसी के साथ आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आएगा इंपॉर्टेंट BVI, तब तक वहीं से प्रिपेयर कीजिए और लगे रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you.